रागनी बहुरिया, ई लो, ई प्रसाद अपने आंचल में रख लो। ई तुमरा जीतिया। सृष्टि बहुरिया, ई तुमरा प्रसाद। और ये तुमरा जीतिया। चलो रागनी बहुरिया, अब पहले तुम परिक्रमा शुरू करो। हाँ जी दादी। लड़की आओ बहुरिया, तुम शुरू करो। पूजा के बाद डॉक्टर को बुला लेता हूँ। बाबूजी को शायद कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, एक बार चेकअप कर लेंगे। सुबह से बहुत परेशान है। जी मिस्टर जी, थैंक यू। वेलकम। बहू, खुराने, विकास जी, उन्होंने हमारी जान बचाई। चाचा जी, बाबूजी आप खड़े हो गए थे। इस बुड्ढे को मारने जाओ तो ये साला बैजू बचा लेता है, और आज उसके बच्चे की जान इस बुड्ढे ने बचाई, और अब तो ये अपने पांव पर खड़ा हो गया है। मेरी मुश्किल बढ़ती जा रही। डॉक्टर प्लीज घर पे आ जाइए। जी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? लगा तो नहीं तुमको? आई देख लो, ये घर में गिरने का कंपटीशन का चल रहा है। अब पहले भौजी के पापा, छोटकी भौजी गिर गया, अभी बीसू बाबू। अरे नहीं, उधर कहीं पे कुछ गिरा पड़ा है, तेल एल कुछ, और उसे स्लिप खा जा रहे हैं सब। तुम सही है, ध्यान से हम साफ कर देते हैं। तुम रहने देख लो, रानी
तुम अपना बाबूजी को लेकर ना उनका कमरा में चले जाओ। चलिए हम लेके चलते हैं। दीदी आओ मदद करो तो। देखिए जो कुछ भी हुआ है ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। आज अगर विकराल सिंह जी थोड़े बहुत समय के लिए भी अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं तो उसका क्रेडिट उनके विल पावर को जाता है। सही बात बोले डॉक्टर साहब, इस पूरे जिला में ना हमारे बाबूजी जैसा हिम्मत वाला इंसान और कोई नहीं है। सुपरमैन है हमारे बाबूजी हमारे लिए। हमारी बड़की भौजी एकदम ही ठीक कर रही है डॉक्टर साहब। भौजी के पापा का हिम्मत है कि आज वो अपना पैर पर खड़ा हो पाए और इतना बड़ा अनहोनी होने से बचा ली। तो भगवान ने मालिक था कि का होता छोटकी भौजिया उसका होने वाले बच्चा के साथ। भाभी वो माँ ने हल्दी वाला दूध भेजा है बाबूजी के लिए। हाँ वैसे ये हल्दी वाला दूध उन्हें जरूर पिलाइएगा, उनकी सेहत बनी रहेगी। वैसे एक बात की आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी हद तक हो सके जहां तक हो सके प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि बाबूजी को किसी भी बात की कोई परेशानी ना हो, कोई टेंशन ना हो, वरना उनकी सेहत को गहरा नुकसान हो सकता है। उनके पैर अब ठीक तो हो चुके हैं लेकिन अभी भी हीलिंग में थोड़ा वक्त लगेगा। जी लेकिन डॉक्टर साहब वो बाबूजी का आवाज कब वापस आएगा? वो उनके मुंह से ना बेटा जी सुनने के लिए हमारे कान तरस गए। अरे बड़की भाऊजी तुम्हारे पापा कब ठीक होंगे तो डॉक्टर साहब बताइए देंगे। बाकी हम तुमको कह रहे हैं ना कि तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, हम सब से बात करेंगे, समझी? सॉरी वो मैं इतना एक्साइटेड हो गया था ये खबर सुन के कि बाबूजी फिर से बोलने लगेंगे। मैं उठाता हूँ जरा। अब वक्त बर्बाद नहीं कर सकता इससे पहले कि दूसरा चमत्कार हो जाए। पुट्ठे के सांसों का हिसाब कर देता हूं। सृष्टि के बच्चे को तो कभी नहीं मार सकता हूं। रागिनी बाहर मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, थोड़ा विंडो दरवाजे बंद कर दो। जी मिस्टर जी। डॉक्टर साहब वो हम आज न्यूज देखे थे, वो डॉक्टर गिरीस का बहुत अफसोस हुआ ये सुन के। आप हमारा ये बात बड़े डॉक्टर को भी कह दीजिएगा। कौन डॉक्टर गिरीश? बाबूजी का। अच्छा वो सुसाइड केस। जी हाँ मैंने भी सुना था उस बारे में। बहुत अफसोस हुआ उनके बारे में ये जानकर। वेल उन्हें मैं पर्सनली जानता तो नहीं था बट बड़की भौजी हम डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ के आते। भाभी मैं कपड़ा लाके साफ कर देता हूँ। हाँ मैडम जी आए एक मिनट पांव हटाइए। अरे देखिए पानी में हम ना गर्म पानी में नमक मिला के लाए हैं, जो आपका पांव को जो दर्द है ना ये सारा का सारा खींच लेगा। अरे कोई बात नहीं हम ठीक हैं। मैडम जी आज बाबूजी ने कमाल कर दिया ना। आए ये रागिनी भाभी के बाबूजी आए अपनी जान का ना बिना परवाह किए अकूत पड़े आपको बचाने के लिए। इसको बोलते हैं एकदम हिम्मत वाला, आई बड़े दिल वाला। अब बाप ऐसे होते हैं कि नहीं? सही कह रहे थे। हम बचपन में अपने बाबूजी को कभी देखे नहीं लेकिन ये जो अनुराग भैया के बाबूजी हैं, रागिनी भाभी के जो बाबूजी हैं ना ये हमारे आदर्श हैं। आई इतना अच्छा मालिश ना आपका तो दाई भी नहीं कर पाएगी। कहा हुआ मैडम जी का सोच रही? नहीं कुछ नहीं। तो हम सोच रहे थे कि तेल फर्श पर कहां से आया। मैडम जी जो आप वो गलती हमारी है, अब तेल का कोई कारण नहीं है। ठीक है हमको आपके साथ वहां होना चाहिए था। नहीं बैजू तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैडम ये दोष किसी और को देना उससे अच्छा दोष खुद को देना चाहिए। हम मानते हैं कि गलती हमारी है, हमको हमेशा आपके साथ ना बगल में खड़ा होना चाहिए, समझी? यही बात हमारे दिमाग में घूम रहा है। बच्चों तुम हमारी बात सुनो। हाँ ध्यान से
जब हम परिक्रमा कर रहे थे तब वहां पर फर्श पर तेल नहीं था। पूजा की सामग्री में भी घी का इस्तेमाल हुआ है, और जब रागिनी परिक्रमा कर रही थी तब भी फर्श पर तेल नहीं गिरा हुआ था। तो फिर फर्श पर तेल कहां से आया, कैसे गिरा? एक सेकंड, अरे बैचू एक सेकंड, तुम हमारी बात तो सुनो। ये हमारे आंचल में तेल गिरा हुआ है, इसका मतलब है कि आंचल से तेल फर्श पर गिर गया, लेकिन आंचल में तेल कहां से आया? पता है, आप वकील है समझी ना, इसीलिए बाल की खाल निकाल रही है। ये आपका दिमाग का वह है, ज्यादा सोच रहे हैं इसलिए आपके दिमाग में ना ये सब ख्याल फट रहे हैं। चाहे तुम सही कह रहे हो, हम फालतू में सोच रहे हैं, लेकिन ये ख्याल लगातार हमारे दिमाग में आ रहा है कि क्या ये सच में कोई गलती थी या फिर कोई साजिश। आपको आराम करना चाहिए, ठीक है? तू टेंशन मत ले, तेरी बारी अभी नहीं है। आज तो सृष्टि के होने वाले बच्चे की बारी है। जो आपके घर में विशु बनकर रह रहा है वो विशु नहीं, शेखर है। उसने अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी कराकर विशु बन गया है। वो सृष्टि को पाने के लिए किसी को भी मार सकता है, मुझे भी और आपको भी। किसी के हाथ लग जाए। बड़ा बदल लेती और अच्छा होता, आराम होता। थोड़ी देर में बदलेंगे। अरे वाह मिसेज जी, क्या कर रही हैं आप? हम जो है ना, अपने छोटे ठाकुर के होने वाले पापा के लिए कुछ बना रहे। अब मुझे तो बताइए। मेरा फेवरेट, खुद ही चेक कर लेता हूँ। ओ वाह, ये तो पाइनएप्पल की खीर है, ये मेरी फेवरेट। आई लव दिस एंड आई लव यू, इसलिए ना बना रहे हैं आपका फेवरेट पाइनएप्पल खीर। और पता है मिस्टर जी, बाबूजी का तबीयत भी ठीक हो रहा है ना, इस बात का बहुत खुशी है हमको। And I love you too. और बाबूजी के ठीक होने की खुशी तो मुझे भी बहुत ज्यादा है। लेकिन तुम अपनी ये खीर ना उस विशु से बचा के रखना। काहे? अरे ये सारी की सारी चट कर जाएगा, बचपन से ऐसी करता आ रहा है, मेरी पूरी खीर खा जाता है। मिस्टर जी इसीलिए ना इतना सारा बना रहे हैं, वो खा भी जाएंगे ना चट भी कर देंगे, फिर भी एक दो कटोरी आपके लिए हम अलग रख देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन बाबूजी के ठीक होने की खुशी ने ना ये खीर की मिठास और बढ़ा दी है। और मुझे एक चीज की और खुशी है,
कि छोटे ठाकुर के आने से पहले ही उसके जो नाना जी है ना, उसके साथ बैट एंड बॉल खेलने के लिए एकदम फिट फाट हो जाएंगे। लेकिन अच्छा हो गया, वो एकदम ठीक हो जाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और हाँ, तुम ये खीर बनाने के बाद रेस्ट करोगी, वरना छोटे ठाकुर कहेंगे कि मेरी होने वाली मम्मी से बहुत काम कराते हैं मेरे कंधे से पापा। समझ नहीं आ रहा है कैसे मारो इस बुट्ठे को, कुछ और करना पड़ेगा। अब तो इस बुट्ठे के चारों तरफ पहरेदार बैठा दिए गए हैं, एक पल के लिए कोई उसे अकेला नहीं छोड़ता। वाह भाई बुड्ढे वाह, मानना पड़ेगा लकवा मार गया है लेकिन फिर भी हिम्मत है। क्या करूं मैं तेरा। अरे बीसु बाबू, तुम यहाँ का कर रहे? अच्छा तुम हटो यहाँ से। कहा है ना कि बाहर बहुत अच्छा हवा चल रहा है, तो हम सोचे कि भौजी के पापा को ना बाहर घुमा के ले आते हैं, अब खूब मन लगेगा भौजी के पापा आपका। अच्छा दुलारी दीदी, मैं भी इसलिए आया था, मैंने सोचा कि इनको घुमा ले आऊंगा। आप रुकिए ना, मैं ले जाता हूँ। अरे काहे, आप काहे ले जाएंगे? और इसे भी पुआ को लगता है ना कि हम कोनो काम ना करते, तो हम सोच रहे हैं कि भौजी के पापा को घुमा देते हैं। और इसे भी जाने का इतना तेज हवा चल रहा है ना सुबह से, घर में वो कागज उड़ल चल रहा है। अब पकड़ने का बहुत कोशिश किए बाकी हाथ ना आया है, का पता कोनो का चिट्ठी हो ना कागज हो, और कोनो काम का बात हो, कोनो कुछ से कुछ कहना चाह रहा हो। अब हमको नहीं मिला है, पुआ देखेगी ना तो ओहला हमको चार बात करेगी, कहेगी कि तुम सफाई न करती हो ठीक से, तही न करती हो। स्याही कैसे लगल है आपके हाथ में भौजी के पापा? चिट्ठी आप पे लिखे है का? रहने दीजिए, आप जब तक ऐसे ऐसे करेंगे हमको कुछ बुझाएगा तो ना। चलिए हम आपको घुमा देंगे। आप कैसे लिखेंगे, आप तो अपन बात कहिए ना पाते हैं, लिखना का है। चलिए बहुत अच्छा हवा चल रहा है भौजी के पापा, हम तो कहते हैं आपको एकदम ही मजा आ जाएगा यहाँ से। हाँ ये क्या चक्कर है, इस पुट्टे के हाथ में इंक कहाँ से लग गई? ओ कहीं सच में इस पुट्टे ने कुछ लिख तो नहीं दिया। अब वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, इससे पहले कि दूसरा चमत्कार हो जाए पुट्ठे के सांसों का हिसाब कर देता हूं। सृष्टि के बच्चे को तो कभी नहीं मार सकता हूं। कहे थे ना आपको कि बहुत अच्छा हवा चल रहा है, आपको अच्छा लगेगा। खूब मन लगा ना? का बतिया, इतना देर से हम अकेले ही बोल रहे हैं, आप कुछ बोलिए ना पा रहे। कहा हुआ सब जी, कोनो परेशानी है का? परेशान नहीं है, बहुत खुश है, पूरा बाहर से घुमा के ले आए हुए चलते। कहा हुआ बाबू जी, आप इतना परेशान काहे लग रहे हैं? कागज कुछ नहीं हुआ है बड़की भाऊजी, बाहर ना बहुत ठंडा हवा चल रहा है, हमको लगता है वही चलते कांप रहे होंगे ना।